ऑल राइट गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं नॉइस के लेटेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। तो ये है नॉइस बर्ड्स प्ले। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस होने वाली है 2,999 रुपये, बट कुछ दिनों बाद यहाँ पे इसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी, तब इसकी प्राइसिंग हो जाएगी 3,499 रुपये। तो आज हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, लेटेंसी टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो सबसे टॉप में यहाँ पे बर्ड्स प्ले की ब्रांडिंग है, यहाँ पे नॉइस का लोगो दिया गया है, डिजाइंड इन इंडिया। एंड इसके पीछे के पार्ट में इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। एंड इसके नीचे के पार्ट में इसकी प्राइसिंग 7,999 मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी आराम से यहाँ पे निकल जाएगा, इसको भी हम रखते हैं साइड में। एंड इसके अंदर एक बॉक्स और दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड दिया गया है, जिसमें यहाँ पे डिस्काउंट कूपन दिया गया है। एंड पेयरिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ये रही इसकी यूज़र मैनुअल। इसके अलावा यहाँ पे दी गई है टाइप सी केबल। एंड एक पाउच यहाँ पे दिया गया है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ईयर कैप्स दी गई हैं, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो अब मेन चार्जिंग केस को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये रहा इसका चार्जिंग केस, एंड ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो ये ईयरफोन 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर है, आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट में भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो ये टोटली जो है प्लास्टिक वर्ल्ड में आता है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। सबसे टॉप में यहाँ पे नॉइस का लोगो दिया गया है, एंड ये टोटली जो है मैट फिनिश में आता है। मैट फिनिश का एक फायदा है, इसमें फिंगरप्रिंट एंड स्क्रैचेस वगैरह जल्दी से नहीं लगते हैं। नीचे के पार्ट में यहाँ पे टाइप सी पोर्ट इसका दिया गया है, इसको चार्ज करने के लिए। एंड इसके पीछे के पार्ट में रिसेट की यहाँ पे दी गई है। तो रिसेट करने के लिए आपको इसको 10 सेकंड तक होल्ड करना होगा। एंड ये मैग्नेटिक लॉक के साथ आता है, तो काफ़ी आराम से ये क्लोज भी हो जाता है। तो अब दोनों ईयरबड्स को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर दोनों ईयरबड्स एंड चार्जिंग केस को हम यहाँ देखते हैं, तो चार्जिंग केस यहाँ पे मैट फिनिश में आता है, एंड ईयरबड्स यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में आते हैं। दोनों के बॉटम पार्ट में यहाँ पे नॉइस का लोगो दिया गया है, एंड ये क्वाड माइक के सपोर्ट के साथ आते हैं। तो हर ईयरबड में यहाँ पे 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं, 2 माइक्रोफोन यहाँ पे हैं, एंड 2 माइक्रोफोन इनके बॉटम पार्ट में है। एंड इनका डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्ड है, तो कानों में काफ़ी आराम से फिट हो जाते हैं। तो अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो उस दौरान ही आपके कानों से पॉपअप नहीं होंगे। एंड इनकी स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मेटल बिल्ड के साथ आती है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। एंड दोनों के फ्रंट में यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है। एंड अगर इनका वेट हम देखते हैं, तो एक ईयरबड का वेट यहाँ पे 5 ग्राम है, एंड चार्जिंग केस के साथ इनका वेट 46 ग्राम है। एंड ये ईयरबड्स यहाँ पे 10 mm के ड्राइवर्स के सपोर्ट के साथ आते हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए, तो कितने mAh की बैटरी इन ईयरबड्स में यूज़ की गई है, कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, बट कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको एक चार्ज में 5 आवर तक यूज़ कर सकते हैं 50% वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसे 70-80% वॉल्यूम में प्ले करते हैं, तो 3 से 3.5 घंटे का प्ले टाइम आपको इसमें काफ़ी आराम से मिल जाता है। एंड ये चार्जिंग केस यहाँ पे 450 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। तो इस चार्जिंग केस की मदद से आप इन ईयरबड्स को 4 से 5 बार और चार्ज कर सकते हैं। तो टोटल प्ले टाइम आपको यहाँ पे 25 आवर का मिल जाता है 50% वॉल्यूम पर। साथ ही IPX 4 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो नॉर्मल वाटर स्प्लैश से एंड स्वेट से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ ही ईयरफोन्स आते हैं। तो उसको फटाफट से अपने फ़ोन से कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। तो ईयरफोन्स को आप 2 तरीके से अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है गूगल फास्ट पेयरिंग को सपोर्ट करता है। तो गूगल फास्ट पेयरिंग के लिए कम से कम एंड्रॉइड 6 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन में होना चाहिए, एंड उसके बाद ब्लूटूथ एंड लोकेशन आपको ऑन रखनी होगी। इसके बाद अपने ईयरफोन्स को आपको फोन के पास ले जाना है, एंड इसके लीड को ओपन कर देना है, एंड ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है, बर्ड्स प्ले टैप टू पेयर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये पेयरिंग मोड पे चला जाएगा एंड कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ईयरफोन्स को, एंड आप नॉर्मल तरीके से भी इसे अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हाइपर सिंक को सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको इसके ईयरबड्स को इसके केस से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसके लीड को ओपन करना है, एंड डायरेक्टली आप इससे पेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसके लीड को ओपन करूंगा, ये पेयरिंग मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बर्ड्स प्ले लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं पेयर। ओके, एंड ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। साथ ही आप अपने ईयरफोन्स की बैटरी परसेंटेज भी अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हैं। एंड इसमें हमें ASI कोडेक का सपोर्ट भी मिलता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ASI कोडेक मेनली होता है आईफोन्स के लिए, अगर आप इसे एंड्रॉइड फोन में यूज़ करते हैं तो कंपैटिबिलिटी इशू आपको यहाँ पे फेस हो सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे आप इसके लीड को क्लोज करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। एंड अगेन आप इसके लीड को ओपन करेंगे, ये कनेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसकी बटन फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्लेन पॉज करने के लिए आप किसी भी ईयरफोन में यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको इसके राइट ईयरफोन में 1.5 सेकंड तक होल्ड करना होगा। एंड प्रीवियस सॉन्ग के लिए सेम आपको इसके लेफ्ट ईयरबड में करना होगा।
तो वॉल्यूम अप करने के लिए राइट ईयरफोन में आपको सिंगल टैप यहाँ पे करना होगा, एंड वॉल्यूम डाउन करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरफोन में यहाँ पे सिंगल टैप करना होगा। एंड अगर आप गूगल असिस्टेंट एंड सिरी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किसी भी ईयरफोन में आपको ट्रिपल क्लिक करना होगा। तो अब इसका साउंड टेस्ट एंड लेटेंसी टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग में यहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा माइक्रोफोन है एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू आप सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इनके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेस की। तो बेस आउटपुट इसका काफी जबरदस्त है, ज्यादा लाउड या एक्स्ट्रा बूस्टेड बेस आपको इसमें नहीं मिलता है, ऐसे अदर ब्रांड में आपको देखने के लिए मिलता है, बट कंपनी ने ट्यूनिंग यहाँ पे काफी अच्छी करी है। तो एक्स्ट्रा बेस या लाउड बेस में काफी देर तक अगर आप सॉन्ग्स को प्ले करते हैं तो कानों में काफी दर्द करता है, बट इसका बेस मुझे काफी परफेक्ट लगा। तो अगर आप लंबे समय तक सॉन्ग्स को यहाँ पे प्ले करते हैं तो आपके कानों को ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। साथ ही ट्रिबल्स इसके परफेक्ट हैं एंड वोकल्स इसके क्रिस्टल क्लियर हैं। तो अगर आप मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं या ऑनलाइन शोज वगैरह ज्यादा देखते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। साथ ही ईयरफोन्स ENC के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो ENC में जब आप किसी से बात करते हैं तो ये बैकग्राउंड नॉइस को जो है काफी हद तक कट कर देता है, जिससे आपको काफी अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड ये इन ईयर डिटेक्शन के ऑप्शन के साथ भी आता है, तो जब आप सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो एंड आप इनको अपने कानों से बाहर निकालते हैं तो सॉन्ग यहाँ पे पॉज हो जाता है, एंड जैसे ही आप इसको वापस इंसर्ट करेंगे अपने कानों में सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो आप इनके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लगी। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इसके प्रोज की। तो सबसे पहला प्रोज है ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है, टाइप सी पोर्ट इसमें दिया गया है, टच कंट्रोल्स, क्वाड माइक का सपोर्ट इसमें मिलता है, हाइपर सिंक का सपोर्ट हमें मिलता है, ENC इन ईयर डिटेक्शन एंड गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी हमें इसमें मिलता है। तो अभी मैं बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। तो अगर इसका प्राइस पॉइंट देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी कॉन नहीं है, कंपनी ने यहाँ पे भर भर के फीचर्स दिए हैं, बट फिर भी अगर कुछ कॉन्स की यहाँ पे बात की जाए तो IPX 4 की रेटिंग यहाँ पे दी गई है, अगर 7 की रेटिंग होती तो और भी बेटर होता। तो इन द लास्ट बात आती है कि आपको ये परचेस करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये ईयरफोन्स यहाँ पे कॉलिंग पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं एंड इनकी कॉलिंग क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है एंड साउंड क्वालिटी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर आप एक ऐसा ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो, इसके अलावा माइक क्वालिटी जिसकी काफ़ी अच्छी हो ताकि आप कॉलिंग पर्पस के लिए उसे यूज़ कर पाएँ एंड जिसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो एंड जो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ भी आता हो जैसे ENC, हाइपर सिंक, गूगल फास्ट पेयरिंग, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं इसे आप गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ कर पाएं एंड जो IPX 7 की रेटिंग के साथ आता हो तो डेफिनेटली ये ईयरफोन्स आपके लिए नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको ये ईयरफोन्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।